गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काल का एक अभ्यास। काल यानी कि क्रिया का समय। क्रिया के समय को हमने तीन हिस्सों में बांटा है। व्याकरण के अनुसार काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रिया अगर गुजरे हुए समय में की गई है, हो चुकी है पूरी, तो वह भूतकाल में कहलाती है, और अगर वो वर्तमान समय में हो रही है या चल रही है तो वो वर्तमान काल का हिस्सा होती है, और अगर आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो तो वो भविष्य काल कहलाते हैं। तो इस आधार पर हमने क्रिया के समय के आधार पर काल के तीन भेद जान लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। उन अभ्यास में हमने पहले आपको करा दिया कि काल पहचानना, आज हम वाक्यों को काल के अनुरूप परिवर्तित करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को परिवर्तित करना है दिए गए काल में। तो देखते हैं अभ्यास किस प्रकार है। वाक्यों को भूतकाल में बदलो, यानी कि ये सारे जो वाक्य हैं या तो वर्तमान काल का है या फिर भविष्य काल के हैं, इनको हमें परिवर्तित करना है किसमें, भूतकाल में, यानी कि जो हो चुका है, गुजरा हुआ समय, भूत का हिस्सा, पास्ट टेंस में। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं। और भूतकाल में ध्यान रखना है वो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, जैसे नीना गीत गा रही है, नीना गीत गा रही है, उसके द्वारा काम हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, भूतकाल में बदलना है, यानी वो काम हो चुका है। तो नीना गीत गा रही थी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको भूतकाल में, नीना गीत गा रही थी, उस समय भी उसके द्वारा काम किया जा रहा था, अभी ये काम हो रहा है, जब वो काम हो रहा था, तो रहा है रही है वाले वाक्यों में जहाँ पर भी रहा है रही है तो वहां पर रहा है रही थी हो जाएगा, रहा है रहा, रहा जरूर रहेगा वहां पर, रहा है रही है की जगह रहा है के जगह रही है रही थी हो जाएगा, रहा है रही की जगह था या थी लगा देंगे, लेकिन रहा शब्द नहीं बदलेंगे। तो नीना गीत गा रही थी। सेकेंड वाक्य, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली के द्वारा दूध पीने का काम होता है, बिल्ली दूध पीती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली ने दूध पिया, यानी कि उसके द्वारा वो काम हो चुका, कर लिया उसने, और यहाँ पर वो कह रही है वो काम कर दिया, हमने काम किया उसने, बिल्ली ने दूध पिया। अब तीसरा वाक्य, अनिल कल पत्र लिखेगा, अनिल पत्र लिखने का काम करेगा कल, तो हम यहाँ कह सकते हैं अनिल ने कल पत्र लिखा, वो कल लिखेगा नहीं, उसने तो कल पत्र लिखा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं अनिल ने लगा देंगे यहाँ पर कारक चिन्ह आ जाएगा, अनिल ने कल भी लगा लेंगे, अनिल ने कल पत्र लिखा, यानी कि वो काम उसके द्वारा पहले ही हो चुका है, वो लिखेगा नहीं, अनिल ने कल पत्र लिख दिया। अब अगला वाक्य, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, अभी वो काम हुआ नहीं है, होने वाला है, यहाँ पर वो भविष्यकाल का वाक्य, आज बारिश होगी, तो हम भूत में किस प्रकार कर सकते हैं कि आज, हम इस प्रकार लिख देंगे आज बारिश हुई, हम क्या लिख देंगे कि आज बारिश हुई, यानी कि बारिश होने का काम हो चुका है। अंतिम वाक्य, मेरे पिताजी फल लाएंगे, मेरे पिताजी के द्वारा फल लाने का काम किया जाएगा, तो हम ये बोल दें कि काम तो हो चुका है, मेरे पिताजी फल ले आए या मेरे पिताजी फल लाए, पहले की ले आए, तो यहाँ हम लिखेंगे मेरे पिताजी फल लाए, फल लाए, यानी लाने का काम हो चुका है। तो इस प्रकार हमने वाक्य क्या बदला, नीना गीत गा रही है, तो हमने लिख दिया नीना गीत गा रही थी, हो चुका है, थी, रही थी, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली ने दूध पिया, काम हो गया, अनिल कल पत्र लिखेगा, अनिल ने कल पत्र लिखा, लिख दिया, आज बारिश होगी, आज बारिश हुई, हो चुकी, मतलब मेरे पिताजी फल लाएंगे, मेरे पिताजी फल लाए, यानी कि ऑलरेडी ले आए।
इस प्रकार रहा है रही है की जगह रही थी हो गया, पीती है की जगह पिया, लिखेगा की जगह लिखा, होगी की जगह हुई, लाएंगे की जगह लाए। तो इस प्रकार आपको वाक्यों को चाहे वो वर्तमान हो और भविष्य, उसको भूतकाल में बदलने का अभ्यास कराया गया। ऐसे ही आपको वर्तमान काल में बदलने के लिए या भविष्य काल में बदलने के लिए भी वाक्य दिए जाएंगे। तो कीजिए अभ्यास, काल के विभिन्न परिभाषा और उदाहरणों को दोहराइए ताकि अभ्यास करने में आपको मुश्किल ना हो। मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।